और फिर तेलंगाना की हुकूमत से मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा, ये धरनी बहुत बड़ा दर्द हो गया भाई। अब आप लोगों को नहीं मालूम धरनी से क्या फायदा हो रहा आपको, मगर धरनी में वो जो हिबा होता है ना, ओरल गिफ्ट, ओरल गिफ्ट जब करते धरनी में चढ़ता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बता दिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ओरल गिफ्ट हो सकता मुसलमानों में, मगर धरनी में चढ़ता ही नहीं उन्हें। अरे कै का धरनी है भाई ये। और फिर धरनी के ताल्लुक से हम तो हुकूमत को बताना चाहेंगे, अगर एक पर्टिकुलर सर्वे नंबर रिकॉर्ड हो गया नोशनल खाता बोल के और रिकॉर्डेड हो गया प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टीज वेबसाइट में, तो सर्वे नंबर को बदल ही नहीं सकते। और धरनी से लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब परेशान है। फिर कन्वर्जन ऑफ लैंड नाला करेंगे, ये आपका शेरलिंगम पल्ली गंडी पेट बालापुर महेश्वरम आपका इलाका राजेंद्र नगर केसरा मलकाजगिरी, यहां पर कीमतें बढ़ गई, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट है, तो इसको बदलना जरूरी है ना। नाला टू प्लॉट उन्हें करता ही नहीं धरनी, यानी इतने तकालीफ इस धरनी में। फार्म 32A का मसला है, उसमें क्या होगा बताओ आप। अच्छा कई इसमें चीजें लिख कर लेकर आया हूं मैं, कई बार लेटर भी लिखा चीफ मिनिस्टर को, अब दोबारा लिख देता हूं, नहीं मालूम पहुंचेगा या देखेंगे क्या करेंगे, वो उनका मामला है, मगर धरनी से गरीब बहुत परेशान है।